प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग तेज हो गई है। विधायक राजेंद्र राणा के उस बयान से राजनीति गर्मा गई है, जिसमें राणा ने कहा है कि जिस कॉलेज में दुष्कर्म हुआ है उस कॉलेज को बीजेपी नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। वहीं महिला अत्याचार जैसे मुद्दों पर राजनीति करने को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए प्रदेश भाजपा सचिव विजयपाल सुहारू ने ऐसी टिप्पणियों की तीखी निंदा की है। वहीं सुजानपुर कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने बीजेपी पार्टी पर आरोप लगाया है कि अब बीजेपी ऐसे दुष्कर्म पर घटनाओं पर चुप्पी साधे बैठी है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी क्या कहना चाहती है कि हमीरपुर जिला में, हिमाचल प्रदेश में, कानून व्यवस्था को लेकर या कोई बलात्कार का मामला होता है, किसी के ऊपर कोई और घटना घटती है, कोई ऐसे मामले होते हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में है, वो कांग्रेस पार्टी अपना जो है वो मुंह बंद करके बैठ जाए? ये कैसे संभव है? और इससे पहले जहां तक आप वीरभद्र जी का प्रश्न है, वो पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है कि राजा वीरभद्र जी पर जो है राजनीतिक आधार पर मामले बनाए गए हैं। पहली दफा थोड़ी उनके ऊपर मामला बनाया गया, 1998 में उनके ऊपर सागर कथा मामला बनाया गया, उसमें वो पाक साफ निकले। उसके बाद 2007 के बाद जो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब भी उनके ऊपर जो है तथाकथित सीडी मामला बनाया गया, उसमें भी वो बाइज्जत बरी हुए। और अभी ये मामला कोर्ट में है और सब जूडिस है, इसके ऊपर जब फैसला आएगा तो मुझे लगता है कि राजा वीरभद्र जी को न्याय मिलेगा और वो बिल्कुल पाक साफ निकलेंगे। प्रदेश बीजेपी सचिव विजयपाल सुहारू ने कहा कि भाजपा ने महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ हमेशा जनता का साथ दिया है और हमीरपुर में घटना पर भी प्रशासन ने कार्रवाई कर दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा है। उन्होंने कहा कि विधायक राजेंद्र राणा द्वारा महिलाओं के मुद्दों पर राजनीति करना शर्मनाक है और उन्हें इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए और हमीरपुर मुद्दे पर आरोपियों को 24 घंटे के भीतर ही पकड़कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन्होंने कहा कि राणा का ऐसे मुद्दों पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। महिला अत्याचार जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करना यह भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ी है, वो चाहे हमीरपुर का मामला हो या प्रदेश में गुड़िया का मामला हो। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ही ये रुख रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनी है, हमने पहले दिन से ही गुड़िया हेल्पलाइन की बात की थी। आज वो गुड़िया हेल्पलाइन प्रदेश में काम कर रही है। और जैसे कि राजेंद्र राणा जैसे व्यक्ति जो कि महिला अत्याचार जैसे संवेदनशील मुद्दे पे ऐसी घटिया बयानबाजी कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए राजेंद्र राणा जी को ऐसी बातें करते हुए। और जो हमीरपुर के विषय में वो बात कर रहे हैं, मैं ये बता देना चाहता हूं कि उस अपराधी को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर भीतर पुलिस हिरासत में ले लिया है और आज की डेट में वो जो व्यक्ति है वो जुडिशियल रिमांड पे है, 14 दिन के लिए जुडिशियल रिमांड पे है। नाउ द मैटर इज इन द कोर्ट। और जैसे कि गुड़िया मामले में ऐसा हुआ था कि उस मामले को दबाने की कोशिश की गई थी कांग्रेस के बड़े नेताओं के द्वारा, पुलिस अधिकारियों पर ऐसा जोर बनाया गया था ताकि पुलिस के अधिकारी वो सारा उस सफाई दे सकें। और सबसे ज्यादा मुद्दा तब भड़का था जब मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के फेसबुक के पेज पे वो चार अपराधियों की फोटो आ गई थी और अगले दिन वो फोटो वहां से डिलीट कर दी गई, तो पूरे समाज में एक आग लग गई थी। सारे सामाजिक संगठन, भारतीय जनता पार्टी, सब संगठन इस मामले में कूद गए थे और एक कैसा जन आंदोलन बना था पूरे प्रदेश भर में। और उस आंदोलन की वजह से वो जो अपराधी थे, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि आईजी रैंक का व्यक्ति, सिटिंग एसपी और पुलिस के 8 अधिकारी आज पुलिस सलाखों के पीछे हैं। ये तब हुआ जब पूरे सामाजिक संगठनों ने और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया ताकि गुड़िया के हत्यारों को फांसी मिल सके या उन्हें सजा मिल सके। और ऐसे ही मामला हमें तो राजेंद्र राणा जी हमारे हमीरपुर जिला से बिलोंग करते हैं, हमें इस बात का बेहद ही अफसोस है कि राजेंद्र राणा जैसा व्यक्ति इन महिला अत्याचार के मामलों पे होछी राजनीति कर रहे हैं।